गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज एक ऐसी रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन को तो टाइट करेगी, आपकी स्किन में से फेयरनेस देगी, आपकी स्किन में से डलनेस को दूर कर देगी। आप देखेंगे आपकी झाइयों झुर्रियों की प्रॉब्लम होगी आपकी दूर हो जाएगी। रात में आप उसे लगाएंगे और सुबह देखेंगे आपकी जो झुर्रियों की प्रॉब्लम है झाइयों की प्रॉब्लम है दूर हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मोटिवेशन के लिए वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर से कर दिया करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर से कर दिया करें। तो चलिए वीडियो रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट में चाहिए होगा वो देखिएगा मैं बता देती हूँ, वो चाहिए हमें हिबिस्किस। अब देखिएगा हिबिस्किस का आप यहाँ पे जो है पाउडर ही आपको लेना होगा। हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून हिबिस फ्लावर का पाउडर इस तरीके से। ये देखिए सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे डालूंगी वो है मेथी सीड्स का पाउडर, और मेथी सीड्स का पाउडर ही चाहिए। और देखिएगा मैंने यहाँ पे हर्ब टॉनिक के प्रोडक्ट लिए हैं, ये आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाय कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून हमें सेम क्वांटिटी में ही लेना होगा इस तरीके से। ये देखिएगा और ये क्रीम जो है हम सेव कर सकते हैं 15 डेज भी। यहाँ पे मैं जो है कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, वो है कस्तूरी हल्दी। या देखिएगा कस्तूरी हल्दी हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो आपके चेहरे में झाइयां हो झुर्रियां हो सबको दूर कर देती है। किचन वाली हल्दी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, किचन की हल्दी नहीं लेनी है फ्रेंड्स। काफी लोग गलती करते हैं किचन वाली हल्दी ले लेते हैं, वो आपको नहीं लेनी, उससे आपका रंग भी डाउन पड़ जाएगा। ले रही हूँ और देखिएगा फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा जो है फाइन पाउडर है इस तरीके से। और ये देखिएगा इतना सा, ये इतनी हल्दी बहुत है इस तरीके से। अगर आपके चेहरे में बहुत ज्यादा झाइयों की प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप यहाँ पे रोज पेटल पाउडर डाल दीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स मेरे पास जो है रोज पेटल पाउडर है और मैं इसका ही यूज करूंगी, तो मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इसको लूंगी रोज पेटल पाउडर को। ये आपके झाइयों की प्रॉब्लम झुर्रियों की प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये जो हमारी क्रीम बनकर आज रेडी होगी वो बहुत ज्यादा स्किन को यंगर करेगी, आपकी स्किन को टाइट बनाएगी। आप खुद देखेंगे फर्क, आपको एक दिन में ही इसका फर्क महसूस हो जाएगा अपने फेस में। और इसमें से इतना अच्छा जो है स्मेलिंग आ रहा है, रोज पेटल पाउडर में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। गुलाब की है तो गुलाब तो आपको पता ही है हमारी स्किन में एकदम फेयरनेस देते हैं, तो हमें इसमें चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ मैं लूंगी एलोवेरा जेल, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है 1 टेबल स्पून लिखेगा फ्रेंड्स इस तरीके से, मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून लूंगी इस तरीके से। ये देखेगा 1 से 2 टेबल स्पून इस तरीके से। ये जो है ये हमारी अब क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी इस तरीके से। आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। क्रीम इस तरीके की बनकर हमारी जो है रेडी हो चुकी है। ये फेयरनेस का भी काम करेगी, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करेगी, आपके चेहरे पर से झाइयां झुर्रियों को दूर कर देगी आपके। अब आपको मैं लगाने का तरीका बता देती हूँ। जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो एवरी नाइट आपको रात में लगाना है, आपके फेस में मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। जब अपना फेस को जब फेस वॉश करके आते हैं तो आपको इतनी सी अपने जो है ये देखिएगा फिंगर अमाउंट में इस तरीके से ले लेनी है। अब ये देखिएगा मेरा हैंड है तो मैं हैंड पर दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आपको इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेनी है और रात के समय ही आपको करना है। और इसे आप जो है सेव करके रख सकते हैं, आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर कूल प्लेस पे कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इस तरीके से स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए ये देखिएगा, और ये आपकी स्किन को टाइट करेगी, कलर को फेयर कर देगी आपके जो है इवन स्किन कर देगी। और देखिएगा फ्रेंड्स मैं कुछ टाइम से इसे लगा रही हूँ अपने फेस में तो मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, तो मैंने आपसे शेयर की है ये। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये देखिएगा स्किन में पूरी तरीके से मेरे जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है। ये इस तरीके से आपको लगा के एब्जॉर्ब कर लेनी है। ये देखिएगा आपको सुबह जब अपना फेस को वॉश करते हैं तभी आपको वॉश करना है, रात भर लगे छोड़ देना है। सुबह आप अपनी स्किन में देखेंगे तो आपकी डलनेस दूर हो जाएगी, आपकी स्किन का कलर फेयर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो रेमेडी अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।